अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। मंदिर के उद्घाटन, रामलला के अभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां काफी जोरों से चल रही है। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख दिन पर दिन नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मंदिर से जुड़ी सभी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। ऐसे में मंदिर के साथ साथ मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों को भी सजाने संवारने का काम जोरों पर है। करीब 600 मीटर लंबी और 14 फीट ऊंची दीवारों पर दोनों तरफ खूबसूरत अलौकिक रिलीफ पैनल लगाए जा रहे हैं, साथ ही ग्लास फाइबर पैनलों से सजाया जा रहा है। वहीं सजावट के दौरान इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि इस पैनल का रंग राम मंदिर के गुलाबी बलुआ पत्थर जैसा हो, जिसके चलते भूरे और कॉफी रंग के पैनल का चयन किया गया है। जन्मभूमि पथ के दोनों ओर लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में पैनल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसे 31 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। ये सर राम जन्मभूमि पथ है, राम जन्मभूमि पथ पे हमारा काम चल रहा है। मंदिर के गेट से मंदिर के लास्ट गेट तक हमारा काम ऐसे चलेगा दोनों तरफ से। और ये हमारा जो मटेरियल है, ये ऐसे लगेगा कि जो हमारे श्रद्धालु आएंगे देखेंगे, उनको देखने पे ये लगेगा कि ये हम राम मंदिर पे आ गए हैं, कि दोनों तरफ लगेगा। इसे अभी हम फिनिशिंग कर देंगे, इसका कलर वलर हो जाएगा और इसमें लाइट भी लगेगी और इसको देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये। और आगे आगे तक हमारा पूरा ऐसे लगेगा और हमको ये दिसंबर के लास्ट तक हमको कंप्लीट, रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं इस पे, हमको कंप्लीट करके दे रहा है इसमें दिसंबर के। लोगों को लेकर के काम कर रहे हैं? हमारे अंदर 50 आदमी काम कर रहे हैं सर। कब तक ये पूरा करके दे देना है? हम इस दिसंबर के लास्ट तक और जनवरी के पहले हफ्ते तक पूरा कंप्लीट करके हम दे देंगे। कैसा लगेगा पेंटिंग होने के बाद सर बहुत ही खूबसूरत, इसमें लाइट लग जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जो भी आएगा देखेगा, एक बार नजर इसी पे पड़ेगी कि कितना खूबसूरत मंदिर बन रहा है। आपको बता दे, आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शुभारंभ होना है, जिसमें पीएम मोदी समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे, जिसको लेकर सभी श्रद्धालुओं में हर्ष का माहौल है और लोग अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं।